अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। आप लोग खुश रहें, आपके घर में सब खुश रहें। अल्लाह पाक हम सब की कुर्बानियां कबूल करे और हाजियों के हज कबूल करे। तो आज की रेसिपी ईद स्पेशल कलेजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस और सबसे पहले इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं। कलेजी बनाने के लिए हमें 1 kg प्याज चाहिए, कसूरी मेथी, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर जिसे आप कहते हैं, हल्दी, खड़ा गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया और दही। दही में ही मेरी मम्मा ने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हमने एक प्लेट में अपने सारे स्पाइसेस निकाल के रख लिए हैं। नमक हसबे जायका 2 teaspoon, लाल मिर्च 5 to 6 spoon, धनिया पाउडर 3 to 4, बे लीव्स, तेज पत्ते और खड़े गरम मसाले। एक कुकर लेकर ऑयल और अनियंस ऐड कर देंगे। 1 cup ऑफ ऑयल यूज किया है मम्मा ने, आप कम चाहें तो कम भी यूज कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती। दूसरी साइड हमने कलेजी वॉश कर ली है। अनियंस फ्राई हो जाएं तो उसमें कलेजी ऐड करें और साथ साथ दही और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें। ऐड करके उसको मिक्स कर लें और स्टिर कर लें अच्छे से। अब आप सारे स्पाइसेस कलेजी में ऐड कर दें। सारे स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दें। 1 glass पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दें। एटलीस्ट 7 to 8 विसल इसमें आनी चाहिए। कलेजी तैयार होने के बाद उसमें हरा धनिया डाल दें। तो लीजिए, हमारी कलेजी तो तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मम्मा की तरीके से कलेजी बनाएं।